अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी भैन आप तो देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, बीमारियां तों तुहानू महफूज रखे। अच्छा जी, मेरे भैन भरा जिहड़े मेरे चैनल ते नए आंदे आ ना, वो सब तो पहले ना सबसक्राइब जरूर करते करे, लाइक करते करे, शेयर करते करे, फिर मेरी वीडियो देखे करे। तो मेरी वीडियो जी ना पूरी पूरी तुसीं देखिया करो, अद्धी वेख के छड़ना दया करो। तो हुण मैं लगी हाँ कढ़ी बनाउण, मैं तुहानू दिखाउणी आ। आते मसाला मैं पाता, तो हम मैं कढ़ी बनाऊंगी। अच्छा जी, मैं कढ़ी बनाऊंगी, मैं मसाला जरा ना पीस के पानी हाँ। हम मैं मसाला जरा ना इन मैं ग्लैंड किया, ग्लैंड करके तो मैं हम इन पाया वा। मसाला मेरा हो गया तैयार, हाँ वेख सकते। अच्छा जी, तो मैं दिखाव आ लाल मिर्चा, हल्दी, नमक, जीरा, गरम मसाला, ये हम मैं इन ना ऐड कर लगी हाँ बिच पाता वा। अच्छा जी, मेरे को डेढ़ किलो दही है, आ डेढ़ किलो दही है, तो ये मैं पानी हाँ एक चम्मच पाता, दूसरा चम्मच, तीन चार चम्मच करना, ये मैं हूँ भर के तो बेसन के पाते डेढ़ किलो दही है। मैं इनू करनी ग्लैंड, ग्लैंड करके तो फिर मैं इन पानी हाँ मसाले। मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो गया जी। अच्छा जी, पहले मैं कड़ी कड़ी वो लस्सी कड़ी कड़ी के पाती मसाले के, हम दोबारा कड़ी आ मैं कड़ी ये लस्सी हैगी दही की ऐड कर दी हाँ, ये भी पाती। हूँ मैं इन आस्ता आस्ता चम्मच कड़े ना हिलाई जाऊँगी, ये थोड़ी देर तक ना बस इस तरह हिलाई जाऊँगी ना, कदों उबाला आएगा फिर इन मैं छोड़ देना, फिर ये खुद खुद ही पकती रहेगी ना, तो एक दफा तो मैं बस इन थोड़ी थोड़ी हिलाती रहूँगी। अच्छा जी, हूँ मैं ना आ कड़ी कड़ी ना ये हल्की गैस तो मैं छड़ दिता है, थोड़ी जी गैस छड़ के रख दिती, ये हूँ बनूगी। तो मैं हूँ कि ना पकौड़ियाँ का कड़ा है मसाला ये बनाऊनी हाँ। बिल्कुल तुम देख सकते जी कि कड़ी मेरी कड़ी ना ये आस्ता आस्ता कि ना ये पकती रहूगी, तो मैं हूँ ना पकौड़ियाँ का कड़ा मसाला ये बना लेनी हाँ। अच्छा जी, आ मेरे को आलू ने, ये आलू कड़े ने मैं कोई कद्दूकश कराँगी, तो कोई आलू मैं कड़े ना ये कट्टांगी, वैसे ही कट्टांगी तो कोई कद्दूकश कराँगी। आ मेरे को धनिया है, धनिया भी पाना बिच, टमाटर भी मैं एक पाना बिच मसाले के, पकौड़े मसाले कद्दूकश मैं जरूर करने हैं, छिल के आलू फिर मैं कद्दूकश कराँगी। हूँ मैं लगी हाँ छिलन आलू। अच्छा जी, हूँ मैं कट लेना टमाटर भी कट दिते ने, हरिया मिर्चा भी कट दतिया ने, धनिया भी कट लिया, तो आ कद्दूकश भी कर लेने आलू, कोई आलू उदा मैं कट दते ने, कोई कद्दूकश कर लेने, प्याज भी किड़े ने ये भी मैं किड़े ना कद्दूकश किए हैं, उदा फिर ना सही नहीं रेंगे है मैं ना कि पकौड़े ने ना ये क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाते हैं, तो मैं हम सारिया चीज़ा कि कद्दूकश कर लिया ने। मसाला जरा ना ये मैं जाके पर मैं दिखाई है कि मैं बिच मिर्चा नमक जरा ना भी पाना है ना, ये भी मैं तुम दिखाऊंगी। अच्छा जी, हम मैं तुम दिखाव कढ़ी कि तक पहुँच गई है, आ देखो बस थोड़ी जी देर रह गई होर हमने तैयार हो जाएगी। मैं थोड़ी जी ना पतली रखनी है कढ़ी, क्यों मेरे बच्चे कड़े ने ना वो कहते ने फिर वाइट कलर के कि चावल होंगे ना उबाल के, चावल सानू बना के दो असं उपर पा के खाने, तो फिर इस वास्त मैं कड़ी थोड़ी जी कड़ी कड़ी ने पतली रखनी है, साड़ी कड़ी पतली होंगी थोड़ी जी। हम तुम देख रहे हो मेरी कड़ी बस थोड़ा टाइम रह गया, तो मैं उन्नी देर ना जल्दी जल्दी पकौड़े का कड़ा मसाला ये बना लेनी हाँ, तो बना के तो फिर उस तो बाद फिर पकौड़े कड़े ना ये फ्राई करने। अच्छा जी, मैं ना कि बेसन पा दिता पकौड़े, तो हूँ मैं इन पानी है मसाले, तुम दिखा दें आ है सुखा धनिया, सुरख मिर्च, नमक, थोड़ी जी हल्दी, सुखा धनिया साढ़े घर का सी, असं पिछली सर्दियाँ सब्जी लगाई सी ना तो धनिया हैगा, तो फिर मैं ना सुखा के रख लिया। हम मैं आ कि सारा बिच पाता, नमक मिर्चा,
ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਆ ਕੀ ਬੇਸਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा जी मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो गया तैयार हो गया हूँ मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े तुम देख सकते जी मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया हूँ मैं जा रही हूँ किचन च लैके मसाले न उत्थे बनाने असि पकौड़े अच्छा जी हूँ मेरी कढ़ी बिल्कुल हो गई तैयार हूँ मैं इन्हें दूसरे चुल्हे पर रख देनी तो कोल नाले हूँ बनानी है पकौड़े अच्छा जी पकौड़े मेरे कि बन रहे हैं मैं किदा बनाई जाने पकौड़े उदा ही मैं कि कड़ी के पाई जाने तो मैं ना पाऊँगी तो मेरे बच्चों ने ना फिर सारे खाधी जाते होंगे ने फिर बचते है कोई नहीं बस ये डिश तो जो पकौड़े ने ना ये तो बच्चों की फेवरेट है ना तो बच्चे बहुत खाते है कि तो मैं इस बस नाल बनाई जाने तो कड़ी कि कड़ी के पाई जाने अच्छा जी आप देख सकते मेरे पकौड़े कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी मेरे पकौड़े निकल रहे हैं ये कद्दूकस आलू कद्दूकस करके पाइए तो प्याज आलू तो मिर्चा टमाटर सारा कुछ कद्दूकस करके पाइए ना तो कि पकौड़े ने बहुत मजेदार बनते हैं तो क्रिस्पी क्रिस्पी बनते तो बहुत मज़े के होंगे आ फिर बड़ा दिल करता फिर क्रिस्पी क्रिस्पी खाने वास देखो किचन के बहुत ज़्यादा गर्मी हुई खरीद मैं कहनी हाँ लाइट बंद होने तो पहले ना यह कि बरामदे कि पखा चलता पैन उनकी हवा थोड़ी जी आ जाती है तो लाइट बंद होने तो पहले पहले मैं कड़ी कड़ी ना ये तैयार कर लूँगा फिर किचन च तो बिल्कुल खड़ा नहीं ना होया जाना हूँ तो थोड़ी बहुत हवा लगती रही तो फिर तो बिजली बंद होगी तो फिर तो बिल्कुल गर्मी बहुत हो जाएगी कड़ी तैयार हो गई हूँ मैं पानी थोड़े कड़ी के बच्चों ने काफ़ी सारे खा भी लैने ये मैं थोड़े थोड़े ना अलग अलग करके रखी जाती हूँ हाँ तो मैं कहनी चल बच्चे कि खाते भी रेंगे ने तो जब मैं सारे अगे एक साइड पर रखा ना तो फिर बच्चे सारे फट के ला जाते तो हम मैं पकौड़े पाए थे कढ़ी के देख सकते अच्छा जी हूँ मैं इन लाने तड़का जोड़ा आयल बचा सी ना मैं वह ही तड़का ला दी अच्छा जी हम मैं लाने लगी हूँ तड़का असि तड़का ना लाइए कढ़ी में तो बच्चे खाते ही नहीं कहते कि मामा इतने आयल ही नहीं है तो खाने की आयल तो बगैर कढ़ी तुम बना दे तो मैं इस बस ना तड़का कि लाजमी आयल का थोड़ा जिन्ना ला दें अभी भी आयल कि थोड़ा है थोड़ा जो मैं होर आयल खा दी है कि पकौड़ा बनया बचा से ना आयल उ अच्छा जी मेरा कढ़ी पकौड़ा देख लो तुम कैसा बनया अच्छा बनया ना मैं तो दिन ही ढकना अच्छा जी मेरा खाना हो गया तैयार उम्मीद करके मेरे भैन दसना तो मेरा कढ़ी पकौड़ा है कैसा बनया पकौड़े मेरे कैसे बने तो नाल बनाइया चपाटियां चपाटियां बनानिया ने एक छोटी चपाटी जी मैं अपने बेटे वास्त बनाई छोटे वास ये मैं शुरू भी बना दी आँगी तो ये बनाई है अच्छा जी मेरा खाना बिल्कुल तैयार तो कढ़ी पकौड़ा मेरा देख लो चाहे अच्छा लगा
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।